हेलो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज के प्रिय दर्शनीय नगर, जहां पर आज राम बारात की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज यहां के मेले की शुरुआत हो रही है, तो दोस्तों बने रहिए, आइए। इसी कार्यक्रम में आपने मंचन में देखा व्यास जी के रूप में विराजमान थे, जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके जीवन में संस्कार कैसे आए, हम सभी को आत्मसात करना चाहिए, सीखना चाहिए। ये जो मंचन रामलीला का और आप सभी को बताना चाहूंगा कि राजेश एल्हावानी जी का जो यूट्यूब चैनल चलता है, उसको आप सब्सक्राइब लाइक फॉलो जरूर कर दीजिएगा। उसका फायदा ये है कि इस वर्ष करेंगे तो प्रत्येक वर्ष जितना भी वीडियो अपलोड होता है, जो लोग यहाँ नहीं आ पाते, आने में असमर्थ है, वो घर पर बैठकर उसको देख सकते हैं। और मैं दो शब्द चाहूंगा राजेश एल्हावानी जी, ये जो शानदार मेला होता है, रामलीला होती है, उसके बारे में दो शब्द जरूर कहें। जोरदार ताली बजा दीजिए राजेश एल्हावानी जी। हमारे जितने भी यहाँ पे बैठे हुए सारे आगंतुक हैं, सबसे पहले हम उनको प्रणाम करते हैं। और जैसा कि मुझे सूचना मिली थी, तो मैं इस बार ये प्रयत्न किया कि यहाँ की जो रामलीला होती है या राम श्री राम बारात शोभा यात्रा निकलती है, वो उसको कवरेज करके और अपने यूट्यूब के माध्यम से, राजेश एल्हावानी के माध्यम से मैं यूट्यूब चैनल पर डालूँ, जिससे कम से कम यहाँ के जो बच्चे इस रामलीला के मंच पर आप ले रहे हैं, वो लोग देख सकें। कई लोगों ने खैर कमेंट किया कि भैया आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके और मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत के साथ इस शहर के हमारे सभी सम्मानित प्रतिष्ठित जन, भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, प्लीज़
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। जय हिंद, जय भारत।